खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से अंध विद्यालय कार्यक्रम पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कार्यकर्ताओं की बदतमीजी से नाराज हुए। सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन से पहले पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड और संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी के निर्देशन में एसीपी एलआईयू सुचम प्रकाश व एसीपी स्वरूप नगर मृगांक शेखर पाठक के नेतृत्व में रही एंटी सबोटेज चेकिंग के साथ साथ 54 सुरक्षा व्यवस्था संभाले पुलिस अधिकारियों से भी की बदतमीजी। डिप्टी सीएम के नेतृत्व तीन छात्रों से वार्ता के समय भी धक्की मुक्की की, जिस पर डिप्टी सीएम को नाराज होना पड़ा। जनपद कानपुर नगर के अंध विद्यालय नेहरू नगर में भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जिला संगोष्ठी के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उन्होंने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला, वे सबको शुभकामनाएं दी। उनका शेरदी लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान के नारे से शेरदी अटल जी ने जय विज्ञान कहकर उसमें एक कड़ी और जोड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में जय जवान जय किसान जय विज्ञान को आगे बढ़ाया और जय अनुशासन का नारा दिया। उन्होंने कहा, पूज्य वाजपेयी जी के द्वारा रोपित विजय संकल्प का बीज आज वट वृक्ष की तना खड़ा है। उन्होंने उनके प्रेमक संस्कारों की याद ताजा की। अटल जी की संघर्षमय जीवन यात्रा और कविताओं के माध्यम से किए गए जन जागरण तथा देश व समाज के लिए किए गए योगदान की चर्चा भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अटल जी के 98वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही। प्रधानमंत्री जी के मन की बात की कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मौर्य ने कहा कि अटल जी की रास्ते पर सरकार चल रही है। अटल जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना लाकर देश में सड़कों का जाल बिछाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में भी हाईवे जैसी सड़कें बनवाई। पूज्य अटल जी का जीवन अपने आप में हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने राजनीति में कभी व्यक्तिगत व्यमंता नहीं पाली, लोकतंत्र में जनता की सेवा कैसे की जाए अटल जी के जीवन से सीखा जा सके। अटल जी के रास्ते पर चलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अनुशासन को बढ़ावा दिया और कोरोना की वैक्सीन का अनुशासन करने वाले वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती परमिला पांडे, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक श्रीमती नीलमा कटियार, सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी भाजपा जिला अध्यक्ष दक्षिण, डॉक्टर बीना आर्या जिला अध्यक्ष उत्तर, सुनील बजाज अजी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ चुके देश है, वहां की यात्रा पर गए थे, वहां से इन्वेस्ट लाने के लिए गए थे। इन्वेस्टरों के मन में जो उत्साह है वह तो आपको आगे जानकारी मिलेगी, लेकिन 7,00,000 करोड़ रुपए से आज उत्साह के साथ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी का डंका आदमी योगी जी के नेतृत्व में भी बज रहा है। आज चीन के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है पहचान वहां से उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कानपुर भी लगता है, जिसके क्रम में आज मैं कानपुर नगर में सुशासन दिवस के इस कार्यक्रम में अपने दोनों सम्मानित अध्यक्ष और हमारे सभी माननीय विधायकगण और सब वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। और आज ही भारत रत्न महामना मालवीय जी की भी जयंती है। मैं दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर सभी कानपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलने का काम किया है। क्योंकि दोनों महापुरुषों का जीवन एक अपने आप में आदर्श, जो भी समाज जीवन के अंदर काम करता है, राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, उसके लिए है। और उसी के क्रम में आज का यह कार्यक्रम था और मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम नहीं जिन्होंने एक ट्वीट करके भी ऐसे महापुरुषों को याद करने का काम नहीं किया है। जाएंगे तो अटल जी का कद इतना बड़ा, उनके जाने और ना जाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो नेताओं का नाम मैं जरूर इसलिए उल्लेख किया हूँ कि एक कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने तो ट्वीट करके भी जो छोटी छोटी बातों को दिन भर ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं,
याद करने का काम नहीं किया है, या मेरे लिए तो आश्चर्यजनक है, देशवासियों के लिए भी आश्चर्यजनक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका निधन हुआ तो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता का संस्कार ऐसा है। राजनीतिक दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे धुर विरोधी थे, लेकिन किसी के नहीं रहने के बाद उसको अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं जाना, या संस्कार सपा का हो सकता है भाजपा। राजस्थान के सीएम का बयान आया है कि आज देश में डर का माहौल है और बीजेपी लोगों को बांट रही है, यहाँ तक कि उसने राम और सीता तक को बांट दिया। देखिए, जो भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अच्छे डॉक्टर से इलाज करें। सर, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी इनका नाम लेके, राम सीता का नाम लेके गुस्सा दिलाती है और डर का माहौल पैदा कराती है। नहीं, हम कोई डर का माहौल नहीं, लोग निडर होकर के डरा हुआ है। अगर कोई तो अपराधी डरा है, हत्यारा डरा है, माफिया डरा है, जमीन कब्जा करने वाला डरा, राम सीता का नाम लेके डर पैदा करा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।